नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। भारत के एशिया कप स्क्वाड में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं। चोटिल ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह दीपक चाहर को दुबई भेजा गया है। उधर लेग स्पिनर अक्षर पटेल की जगह रविंद्र जडेजा को लाया गया है। अक्षर को बाएं हाथ की उंगली में पाकिस्तान के खिलाफ फील्डिंग करते वक्त चोट लग गई थी। उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया, जिसमें उनकी चोट का पता लगा। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की जगह सिद्धार्थ कौल को मौका दिया गया है। सिद्धार्थ को हांगकांग के खिलाफ मैच के बाद दाएं कुल्हे और ग्रोइन के हिस्से में सूजन आ गई है, जिसकी वजह से शार्दुल ठाकुर भी अब टीम में शामिल नहीं है। तो आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर, इन तीनों खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद टीम में दीपक चाहर, रविंद्र जडेजा और सिद्धार्थ कौल को मौका दिया गया है। एशिया कप से इन तीन खिलाड़ियों के बाहर होने से टीम इंडिया पर बड़ा असर पड़ा है, लेकिन नए तीन खिलाड़ियों को जब मौका दिया है तो वो भी कोशिश करेंगे कि अपनी टीम को संभाल सके और फाइनल तक अपनी टीम को ले जाने में कामयाब हो। अब देखना यह होगा कि नई टीम के साथ उतरने पर रोहित शर्मा की टीम कैसा प्रदर्शन करती है।